एक सवाल जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि अलादीन सीजन 4 कब आएगा, और सोनी सबका मोस्ट पॉपुलर टीवी शो अलादीन, इसका सीजन 4 आए भी क्यों ना, ऑडियंस इसको इतना ज्यादा पसंद करती है। वेल, इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी खबरें देने वाले हैं एंड कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं अलादीन सीजन 4 के रिलेटेड, जो कि आपको पूरे यूट्यूब पे कभी किसी ने नहीं बताई। और इसी को आगे रखते हुए इतने लंबे समय के बाद इतनी अच्छी गुड न्यूज निकल कर सामने आई है, जिसे सुनने के बाद आप खुश हो जाओगे। कुछ बताएंगे इस वीडियो में। वेल, उससे पहले अगर आप लोग फैंटेसी शोज के फैन हो लाइक अलादीन बालवीर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि अलादीन सीजन 4 के बाद सिद्धार्थ निगम कभी भी किसी शो में नजर ही नहीं आए। हाँ, अलादीन के बाद उन्होंने कैमियो रोल किया था, जो कि हीरो का इमोडॉन में, जो कि उनके ही भाई का शो था। उसके बाद से हमें यह पता चलता है कि सिद्धार्थ निगम किसी भी फैंटेसी शो में काम करना ही नहीं चाहते। लेकिन सिद्धार्थ निगम एक इंटरव्यू में हमें यह बताते हैं कि अगर अलादीन का सीजन 4 आता है तो वो इसमें जरूर आएंगे। लेकिन अभी रिसेंटली में फैंस सोनी सब से बहुत नाराज हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने तो सोनी सब को देखना ही छोड़ दिया है, क्योंकि सोनी सब अलादीन के सीजन 4 को लाने का नाम ही नहीं ले रहा है, एंड फैंस डिमांड कर करके पागल हो गए हैं। बता दें कि इतने बड़े एक्टर ने इतनी बड़ी बात कही है तो इसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन जरूर होगा, उसे जानते हैं थोड़ा आगे वीडियो में। लेकिन उससे पहले अलादीन की स्टोरी लाइन पे थोड़ी नजर दौड़ा लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि स्टोरी लाइन तो खत्म हो गई। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अलादीन की स्टोरी लाइन इंस्पायर्ड है अरेबियन नाइट से, एंड वहाँ पर इसकी रियल स्टोरी में जफर खत्म तो अलादीन खत्म, जैसा कि अलादीन सीजन 3 के एंड पर जफर खत्म, तो अब सोनी सब क्या ही दिखाएगा सीजन 4 में। बताते चले कि सोनी सब पर बहुत सारे ऐसे शोज आए हैं जो कि अरेबियन नाइट से जिनकी स्टोरी ली गई है, लाइक अलीबाबा दास्तान बोल अलादीन, एंड उसी के साथ हातिम, जिसके कैरेक्टर को मेकर्स ने अलीबाबा में ही दिखा दिया। अगर वो चाहते तो इस पर एक नया शो बना सकते थे, मे भी हो सकता है फ्यूचर में कुछ प्लान्स हों। अगर थोड़ा सा स्कैन किया जाए इन शोज की स्टोरी लाइन को, तो इन शोज की स्टोरी लाइन वैसी है ही नहीं जैसे कि अरेबियन नाइट्स में या फिर रियल में है। सोनी सब ने बहुत ज्यादा तोड़ मरोड़ के एंड बहुत ज्यादा फैंटेसी बना के हमें दिखाया है, जो कि वाकई तारीफ के काबिल है। बताते चले कि अलादीन के सीजन 4 में सोनी सब में कोई नई फैंटेसी स्टोरी बना के दिखाया गया या फिर अरेबियन नाइट्स की किसी और स्टोरी से इंस्पिरेशन भी ले सकता है, लाइक अलिफ लैला। अलिफ लैला में बहुत सारी कहानियां मौजूद हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अलिफ लैला को ही उठा के अलादीन सीजन 4 में दिखा दे। आपको बताते चले कि अलिफ लैला बगदाद की कहानी है, एंड अगर आप लोगों को याद हो तो अलादीन में भी हमें बगदाद ही देखने को मिला था। अलादीन की पूरी स्टोरी अलिफ लैला के एक एपिसोड की स्टोरी है, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अलिफ लैला से कितनी सारी कहानियां उठा के अलादीन सीजन 4 में हमें दिखाई जा सकती है, तो इसलिए स्टोरी लाइन में तो कोई भी मुश्किल नहीं आने वाली। चलिए बात है उस सवाल की तरफ जो कि मुझसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि अलादीन का सीजन 4 आखिर अब तक क्यों नहीं आ रहा और कब आएगा। बताते चलें कि आप लोग जानते ही हैं कि सोनी सब फैंटेसी शोज की वजह से जाना जाता था। बहुत सारे फैंटेसी शो सोनी सब पे आते थे, जैसा कि लाइक हीरो गाइमोडॉन, बालवीर, अलीबाबा। लेकिन इन फैंटेसी शोज को बहुत ज्यादा खर्चा लगता है, यानी कि प्रोडक्शन हाउस बहुत ज्यादा मेहनत के बाद शोज को लाता है। दूसरे शोज के मुकाबले इन पर बजट भी ज्यादा लगता है, लेकिन उसके बाद उतनी अच्छी टीआरपी नहीं आ पाती, यानी कि ये शो अपना बजट भी रिकवर नहीं कर पा रहे थे, जिसकी बेस पर फैंटेसी शोज से पूरा पूरा स्विच कर दिया सोनी सब ने। हाँ, पिछले कुछ टाइम में जितने फैंटेसी शोज आए इनमें से कोई एक अगर चल जाता तो अलादीन सीजन 4 अब तक आ जाना था। यही वजह है कि अभी आप लोग देखोगे तो बालवीर सीजन 4 भी सोनी लिव पे दिखाया जा रहा है, ना कि सोनी सब पे। और सबसे बड़ा रीजन कि इसके एपिसोड्स को लोग गलत तरीके से देखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें सिद्धार्थ निगम ने जो खुद कहा है कि अगर अलादीन का सीजन 4 आता है तो मैं जरूर आऊंगा, एंड ये भी बताया कि पिछले कुछ टाइम में तैयारियां चल रही थी। अब इतने बड़े एक्टर ने इतनी बड़ी बात कही है, तो इससे बड़ा हिंट अलादीन सीजन 4 के लिए नहीं हो सकता। सोनी सब फिर से वापस आएगा फैंटेसी शो के साथ, एंड अगला फैंटेसी शो अलादीन का सीजन 4 ही होगा। लेकिन अगर आप लोगों को लग रहा है कि अलादीन की स्टोरी लाइन वहीं से शुरू होगी जहां पे एंड हुआ था, तो ये आप लोगों को गलत लग रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अब मैं ये बात इतनी बड़ी क्यों बोल रहा हूँ, अलादीन सीजन 4 की स्टोरी लाइन अगर वहीं से शुरू की जाती है तो हमें वही कास्ट दिखानी पड़ेगी। लेकिन अगर देखा जाए तो जितनी भी कास्ट थी वो उनके अपने अपने शो चल रहे हैं, किसी का शो बहुत अच्छा चल रहा है, एंड फिर वो स्टार कास्ट अपने उस शो को छोड़ के अलादीन सीजन 4 में कैसे आएगी, जिसकी बेस पर हम अलादीन सीजन 4 में कोई 2-3 बड़े लीड एक्टर ही दिखाए जाएंगे, बाकी की सारी स्टार कास्ट नहीं होगी। ये भी हमें कुछ टाइम का लीप दिखा दिया जाए, यानी कि स्विच करके स्टोरी को आगे के टाइम में या फिर कुछ टाइम पीछे और जाया जाए। लेकिन अगर अलादीन सीजन 4 को एक फ्यूचर डिस्टोपियन शो करके दिखाया जाता है तो बहुत सारी नई ऑडियंस शो के साथ जुड़ेगी। अब ये फ्यूचर डिस्टोपियन क्या है, इस पर हम एक और वीडियो अलग से बनाने वाले हैं, एंड पहले भी एक वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें, एंड हमारी मजीद वीडियोस को देखना मत भूलिएगा। बाय बाय।